हेलो और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ विनोज किचन। विनोज किचन में आपका वेलकम है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की रेसिपी आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मैं 3 कप मैदा ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं 3 चम्मच जो है मिल्क पाउडर के ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच जो है भरकर यीस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। यीस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून जो है बटर के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्जरीन भी ऐड कर सकते हैं। इंग्रीडियंट्स को ऐड करने के बाद इसको जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता मिल्क के साथ को नीड करूँगी। आप मिल्क जो है थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से नीड करेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको मिक्स करने के लिए स्पैचुला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से हैंड से नीड करेंगे जब आपका मिक्सचर मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप जब डो को अच्छे से नीड कर लेंगे, उसको अपने खींचने हैं जिस जितना हो सके इसको स्ट्रेच करें। डो को इस तरीके से अच्छे से नीड करने के बाद इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल है इसके साथ इसको कवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, उसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है ऑयल का ऐड करूँगी, 1 से 2 टेबल स्पून। ऑयल को प्री हीट करने के बाद इसमें मैं 1 चॉप्ड अनियन है वो ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक है वो ऐड कर रही हूँ। प्याज को आप 2 से 3 मिनट तक लाइट सौते करेंगे। उसके बाद इसमें मैं 1 से 2 चम्मच जो है वाइट फ्लोर के ऐड कर रही हूँ, मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा ऐड करने के बाद इसमें मैं एक लाइट लाइट जो है दूध के साथ इसको पकाऊंगी। मसाला को इस तरीके से पकाने के बाद इसमें मैं जो श्रेडेड चिकन था जो मैंने बॉईल कर लिया था वो ऐड, इस तरीके से जो मैं इसमें मैं श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ जो मैंने बॉईल किया था। चिकन ऐड करने के बाद इसमें मैं कुछ मैश पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर रही हूँ। मैश पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसमें कूटा भुना जीरा 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने के लिए रख दूँगी। मसाला को आप इस तरीके से अच्छे तरीके से रेडी करके इसको कवर करके रखिए। इसे अच्छे से स्टफ भी, ये देखिए अच्छे तरीके से ये बन चुकी है, फूल चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक ट्रे लूँगी, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइट फ्लावर जो है उसे डस्ट कर रही हूँ। डस्ट करने के बाद उसमें मैंने जो ये डो तैयार की थी इसके मैं कुछ पीसेस बना लूँगी। इस तरीके से मैंने डो के पीसेस कर लिए हैं, आप इसको नाइफ से पीसेस बना लें। इसके बाद इस तरीके से आपने एक पेड़े की जो है रोटी बेल लेनी है। रोटी को इस तरीके से बेलने के बाद इसमें मेरे पास कुछ मसाला है, उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राउंड वाइज। मसाले को इस तरीके से इसमें राउंड शेप में ऐड करने के बाद इसको मैं जो है वो फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके मेक श्योर कि आपने इसको राउंड में जो है फोल्ड करना है ताकि एक गोल शेप तैयार करके डोनट नुमा। इस तरीके से जब एक ओवल शेप में डोनट तैयार हो जाएगा तो उसमें मैं अंडे की जर्दी की कोटिंग करूंगी। जर्दी की कोटिंग अच्छे से करने के बाद इसमें मैं थोड़े से सेसमी ऑयल सीड्स जो हैं तिल वगैरह जो है वो ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास ब्लैक इसमें सीड्स हैं यानी कि कलौंजी है वो ऐड कर रही हूँ। एज़ पर रिक्वायरमेंट या आपकी चॉइस है आप ऐड करना चाहिए, बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इकट्ठे तैयार कर लिए हैं।